हेलो बच्चों, आज हम पेपर 3D स्टार बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपना ध्यान रखना है, समय समय पर हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है और बीमार लोगों से दूर रहना है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है वो है पेपर, सीजर और फेविकोल। A4 शीट लेंगे हम, कलर शीट, और उसको सबसे पहले स्क्वायर में कट करेंगे। स्क्वायर में कट करने के लिए देखिए, मैंने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक फोल्ड किया है पेपर को, और ये जो एक्स्ट्रा पेपर बचता है ये A4 पेपर जब आप लेंगे उसमें ऐसे यूज़ करेंगे। ये जो पेपर बचता है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये हमें स्क्वायर पीस मिल गया एक, और अब हम दूसरे कॉर्नर को भी फोल्ड करेंगे। एक लाइन तो हमें मिल गई, अब एक लाइन हमें इधर से इधर तक चाहिए, तो इस लाइन पे कॉर्नर टू कॉर्नर हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने फोल्ड कर दिया है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जब हम ओपन करेंगे अपने पेपर को, ये देखिए हमें ये मल्टीप्लाई साइन मिला। अब हमें प्लस की लाइन भी चाहिए, तो हाफ फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी हाफ फोल्ड करेंगे। ये अब आप देख रहे हैं, एक जगह तो हमें प्लस का लाइन मिल गई है और एक मल्टीप्लाई, तो ऐसे अब इनको हाफ से थोड़ा सा कम, प्लस के साइन पे से हाफ से थोड़ा सा कम कट कर देंगे। ये हम पहले फोल्ड करेंगे, और ये जो प्लस की लाइन है सेंटर में जो लाइन है, इस पर हाफ से थोड़ा सा कम करके कट लगा देंगे। ऐसा ही हम दूसरी साइड करेंगे, दूसरी साइड को फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही। तो ऐसे जो प्लस की लाइन है उन चारों लाइन पे हमें ये कट लगाना है। ये देखिए हो गया। अब ये जो कट लगाने के बाद ये जो लाइन है मल्टीप्लाई वाली, जो सेंटर लाइन हमें कॉर्नर्स में मिली है, तो दोनों साइड के कॉर्नर्स को हमें सेंटर लाइन तक फोल्ड करना है। ऐसे लाइन से लाइन तक ही हमें फोल्ड करना है। चारों कॉर्नर्स को हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए लाइन तक फोल्ड करना है। अगर आपके कट छोटे पड़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और फिर फोल्ड करेंगे, अगर आपको फोल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो। ये देखिए ये हो गया है। और ये हमने चार पेपर फोल्ड कर लिए। अब ऐसे ही हमें दूसरे पेपर में भी करना है। हमें 2 स्क्वायर्स की जरूरत होती है स्टार बनाने के लिए, तो ऐसे ही हमें दूसरे पेपर में भी करना है, और इसको ओवरलैप करके हमें पेस्ट करना है। हमने सेंटर लाइन तक फोल्ड किया था, अब क्या करना है, दोनों जो पेपर हैं इधर का और इधर का, उसको ओवरलैप करके एक के ऊपर एक करके फोल्ड करना है। इससे शेप 3D आ जाएगी। ये देखिए ऐसे। अब इसको पेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। फेविकोल लगा दिया है, और इसको पूरा मिला के एक दूसरे के ऊपर करके ओवरलैप करके ही फोल्ड करना है और अच्छे से पेस्ट करना है। और पेपर आपका थोड़ा थिक पेपर होगा तो अच्छा स्टार बनेगा, पतले पेपर से नहीं बनेगा, थिन पेपर लूज पेपर से नहीं बनेगा। जो पेपर आपका थोड़ा सा थिक होगा उससे स्टार जो है वो अच्छा बनेगा आपका। और अब इसको फोल्ड कर लिया। ये मैंने 4 जो इसकी लीव्स है वो बना लिए हैं स्टार की, और ये ऐसी शेप दिखेगी कुछ 3D। ऐसे ही मैंने दूसरा बना के रखा है। ये देखिए ऐसे मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं। आप सिंगल कलर भी कर सकते हैं, 2 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक और दूसरे पेपर से मैंने बना लिया। अब इनको पेस्ट करेंगे, और ध्यान रखिए जितना छोटा आपका स्क्वायर होगा उतना ही छोटा आपका स्टार बनेगा, और जितना बड़ा होगा स्क्वायर उतना ही बड़ा स्टार बन जाएगा। और पेपर 2 ही यूज़ होंगे। अब हम यहाँ बीच बीच में इसमें फेविकॉल लगा रहे हैं, और हम इसके बाद दूसरा जो स्टार हमने बनाया है, मतलब 4-4 पेटल्स के जो 2 स्टार हमने बना लिए हैं, इनको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ऐसे पेस्ट नहीं करना, अपोजिट करके पेस्ट करना है, मतलब एक दूसरे की पत्तियों के बीच में करके इसको पेस्ट करना है। ये देखिए ऐसे हमने इसको पेस्ट किया, और ये हमारा 3D स्टार जो है वो तैयार है बिल्कुल। इसको आप
बनाएंगे, बहुत सुंदर लगते हैं ये। आप इसको व्हाइट शीट से बना के उस पर फेविकोल लगा के ग्लिटर भी लगा सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर में बनाए हैं, और क्रिसमस ट्री पे डेकोरेशन के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बर्थडेज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको और डेकोरेट करने के लिए इस पे स्पार्कल लगा सकते हैं, स्पार्कल ट्यूब से डिज़ाइन बना सकते हैं, और दूसरे भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।